हाय स्टूडेंट्स, एमएस ट्यूटोरियल वाले सर में आप सबको स्वागत है। मैं आशीष पढ़ियाई आज एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। वो जो प्रॉब्लम है ये चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का है, जो सीरीज का प्रॉब्लम चल रहा है। देखो, ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का भी शेयर करना, ठीक है। और जो लोग मेरे साथ अब तक नहीं जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सामने आ गया। टू कार्स स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड मूव्स टू रोड्स राइट एंगल टू ईच अदर। देयर स्पीड्स आर 36 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 15 सेकेंड the distance between them is how much? देखो ये क्वेश्चन, देखो वो चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। दो रोड है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल में है, ठीक है। यहां पे एक कार जा रहा है, यहां पे एक कार जा रहा है, मांग रहा है 15 सेकेंड के बाद वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने हो जाएगा। देखो, मेरे को पता है v is equal to क्या है, s by t, तो s is equal to क्या है, v into t, ठीक है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, देखो ये जो कार जा रहा है, एक का स्पीड कितना है, v1 है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो, उसके साथ 5 by 8 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2, ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। और यहां पे देखो, ये है मान लो उनका स्पीड है v2, तो v2 is equal to कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ 5 by 18 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, ये डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड को, उसको काटो 6 में काटो, ये होगा 8, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 40/3 मीटर पर सेकंड, तो ये भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो गया। तो दोनों का स्पीड मैंने क्या किया, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये ट्रेवल किया t1, मतलब कितना सेकंड है, ये ट्रैवल कर रहा है 15 सेकंड में, तो ये t2 है, ये कितना सेकंड ट्रैवल कर रहा है, ये भी 15 सेकंड ट्रैवल कर रहा है। मेरे को अभी निकालना चाहिए, मान लो 15 सेकंड ट्रैवल करने के बाद ये वाला कार यहां से यहां तक ट्रैवल किया, ठीक है, और वो जो कार है वो क्या हुआ, यहां से यहां तक ट्रैवल किया, ठीक है। तो देखो, अभी देखेंगे यहां से यहां कितना दूर है, यहां से यहां कितना दूर है और यहां से यहां कितना दूर है। देखो यहां पे v2 है, t2 है, तो s का मतलब क्या है, v into t, तो डाल दो, तो s is equal to क्या है, ये मान लो ये s2 है, तो s2 is equal to क्या है, v2 into t2, तो v2 का वैल्यू कितना है, 40/3 into t2 का कितना है, 15, उसको काट दो, काटने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 मीटर, तो ये कितना है, s2 is equal to कितना है, 200 मीटर अब तक से। उसके बाद देखेंगे s1 is equal to कितना होगा, s1 होगा v1 into t1, तो v1 का वैल्यू कितना है 10 और t1 का वैल्यू कितना है 15, तो ये कितना होगा 150 मीटर, तो ये s1 होगा 150 मीटर, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां 150 मीटर और यहां से यहां कितना दूर है, ये है 200 मीटर अब तक से। अभी क्या कर रहे हैं, मांग रहा है ये दोनों पॉइंट का बीच डिस्टेंस कितना है। देखो ये जो डिस्टेंस होगा, अभी क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये है सबसे, ये दोनों पॉइंट का बीच सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं निकालूं, तो इसी टाइम में ये जो चीज है ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं, बाय यूजिंग द पिथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये h है, मान लो ये p है, ये b है, ठीक है, वो वाला चीज को मेरे को अभी क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। देखो उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू कितना है, 200 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 150 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, देखो यहां से मेरे को एक चीज जितना हो सके सबसे बड़ा वो वाला चीज को मेरे को क्या करना चाहिए, कॉमन लाना चाहिए। देखो यहां से तो 10 कॉमन आएगा क्योंकि ये 10 10 है, ठीक है, उसके बाद कितना है, 5 है, ठीक है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेने के बाद ये कितना होगा, देखो यहां मेरे को पता चल गया 10, ये कितना है 5,
तब मतलब कितना मैक्सिमम 50 कॉमन जाएगा, तो ओ वाला चीज को मैं ऐसे लिख सकूं 50 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 50 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू होगा, एच का वैल्यू होगा। तो यहां से देखो यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो बाहर जो आएगा ये क्या होगा 50 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उनका रूट ओवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, ये आएगा 50, तो ये कितना होगा, ये दोनों का ये 25 का रूट ओवर होगा, तो ये 25 का रूट ओवर होगा, तो ये कितना आएगा 50 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया 25, उसके बाद 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा 150 मीटर। तो वो जो चीज आएगा वो कितना आएगा, ये 50, ये दे देगा 5, ये तो कितना होगा, ये 250 मीटर होगा। तो देखो यहां से जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा 250। तो जो ऑप्शन में 250 है वही वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो कंप्यूटर का सेव एंड नेक्स्ट बटन है उसको जरूर दबाना, तब भी क्या होगा ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सेव हो जाएगा, 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, अगले क्लास में मैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तब तक इंतजार करना।